बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश प्रतिनिधि रहे सैयद आजाद अली को शहडोल पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिर में डाई लगाने का बहाना बनाकर पड़ोसी की छत फांद कर भाग रहा था कि शहडोल की टीम ने ओमते पुलिस की मदद से दबोच लिया। आरोपी कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर 13,50,000 रुपए कीमती शराब तस्करी मामले में फरार चल रहा था। शहडोल के खैरा थाने से आई पुलिस टीम के प्रभारी SI RS करचाम के मुताबिक वर्ष 2020 में कार में 13,50,000 रुपयों की शराब जब्त की गई थी। कार में नंबर MP BA 1105 लिखा हुआ था। वही जांच से मालूम हुआ कि कार में फर्जी नंबर दर्ज है, जबकि असल नंबर MP 20 HA 8900 है, जो जंक्शन होटल जबलपुर के नाम पर दर्ज है। वही आगे तफ्तीश करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि एक अनुबंध के तहत छोटी ओमती निवासी एवं भाजपा नेता सैयद आजाद अली को ये दिया गया था। शहडोल पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा सहित आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। तब से आरोपी सैयद आजाद अली फरार चल रहा था। दरअसल उसके रसूख के चलते पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, जबकि आरोपी बीजेपी पार्टी के झंडे, बैनर और पद की आड़ में शराब की तस्करी सहित कई तरह की कालाबाजारी में लिप्त था। शहडोल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए ओमती पुलिस की मदद ली। संयुक्त टीम ने आरोपी के घर पहुंची तो वो बालों में डाई लगाए बैठा था। टीम से बोला कि वह डाई धोकर आ रहा है, पर वो पड़ोस के 3 घरों की छत को फांद कर भागने लगा। वही टीम को उसकी मंशा समझ में आ गई। तुरंत आरोपी को घेराबंदी कर चौथे मकान की छत पर दबोच लिया गया। इसके बाद उसे ओमती थाने लाया गया। आरोपी ने स्वयं और अपने परिचितों के नाम पर राशन दुकानें भी ले रखी थी। केरोसिन और राशन की कालाबाजारी में कई प्रकरण भी उस पर दर्ज है।